नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम। पुलवामा अटैक के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया है, क्या भारत को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए। इसको लेकर कई खिलाड़ियों के कई तरह के बयान आए। फिर आया सचिन तेंदुलकर का बयान, उन्होंने सुनील गावस्कर की बात का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। बोला कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना और उन्हें 2 अंक देना, पाकिस्तान की मदद करना होगा, यह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सचिन के इस बयान के बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, विवाद होने लगा। फिर इस बीच आया सौरव गांगुली का बयान, जिसने मामला और गर्मा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गांगुली ने कहा, वे यानी सचिन पाकिस्तान के खिलाफ 2 अंक चाहते हैं, लेकिन मैं वर्ल्ड कप चाहता हूँ, आप इसे जिस किसी भी तरीके से देखिए। गांगुली के इस बयान को तेंदुलकर के खिलाफ बयान के तौर पर पेश किया गया। हेडलाइनें बन गई गांगुली बनाम तेंदुलकर, मगर गांगुली ने खुद ही इन हेडलाइनों को फुस कर दिया है। एक ट्वीट करके गांगुली ने कहा कि उन्होंने सचिन के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मीडिया में बहुत सारे लोग मेरा बयान सचिन के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि मुझे विश्व कप चाहिए, तो मेरी प्रतिक्रिया का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनके खिलाफ मेरा बयान है। पिछले 25 सालों से वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और आगे भी रहेंगे। माने दादा ने साफ कर दिया कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। दादा की सफाई के बाद सचिन ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा, कभी भी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि आप अपनी सफाई दें, हम सभी वही चाहते हैं जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है। जैसा कि सचिन ने फिर कहा कि वो वही चाहते हैं जो देश के लिए सबसे बेहतर हो। पहले वाले बयान के आखिर में भी वो यही बोले थे कि जो निर्णय देश लेगा वो उसका समर्थन करेंगे, मगर कुछ लोगों के दिमाग में अपना एजेंडा इस कदर हावी है कि उन्हें सचिन भी एंटी नेशनल लगने लगे। भूल गए वो लोग कि ये वही खिलाड़ी है जिसने 200 साल देश का बोझ अपने कंधे पर उठाए रखा, हमको आपको कितनी खूबसूरत यादों के साथ ही एक वर्ल्ड कप दिया, हजारों रन, 100 सेंचुरी, क्या क्या नहीं। ऐसे में देश और खेल के लिए यही अच्छा है कि लोग बेशक राजनीति करें, पर इन खिलाड़ियों को तो कम से कम बख्श ही दें। आपका इस वाक्य को लेकर क्या सोचना है? भारत और पाकिस्तान मैच, सचिन सौरभ के बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।